हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। और ये है रिवीजन डे 9। तो आज मैं उठी थी थोड़ा सा लेट, घड़ी देख के लगेगा लेट, बट मेरे लिए मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। तो 7 बजे उठी थी मैं, और ठीक है। और अभी मैं करूँगी अपना जो टू डू लिस्ट है उसको, मतलब मुझे आज क्या क्या पढ़ना है वो सब लिखूँगी, क्योंकि ये ना मतलब मेरा हैबिट हो गया है कि उठ के पहले टू डू लिस्ट लिखना है। हालांकि मुझे पता है कि मुझे आज क्या पढ़ना है, क्योंकि क्या है ना, क्या मतलब कौन से चैप्टर पढ़ना है वो तो मुझे पता रहता है, बट उस चैप्टर में से मुझे क्या क्या करना है अगर मैं उसको लिख लूँ तो मुझे पूरा दिन का एक माइंड मैप मिल जाता है कि मुझे आज ये टास्क कम्प्लीट करना है। सो इसीलिए मैं लिखती हूँ। सो फर्स्ट लॉट एज़ यूजुअली स्टार्ट करते हैं बायो से, और आज मैं बायो का मतलब कौन सा चैप्टर पढ़ने वाली हूँ वो शायद आप लोग थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि मैंने रिवीजन डे 8 पर लिविंग वर्ल्ड पढ़ी थी। तो ऑब्वियसली आज मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ूंगी। एक्चुअली क्लास 11th के यूनिट 1 में जितने भी चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स हैं, उसमें मतलब ऐसा बहुत कुछ कंसेप्ट नहीं है, मतलब बहुत ही कम कंसेप्ट है, बट जो इसमें है वो है एग्जाम्पल्स, और जो कि आपको बहुत ज़्यादा याद रखना पड़ता है। तो ये यूनिट किसी किसी के लिए इजी हो जाता है, किसी किसी के लिए थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, क्योंकि और टफ़ क्यों होता है, क्योंकि ये चैप्टर शायद आपने 1 और 2 टाइम्स ही पढ़ा है, इसलिए आपके लिए टफ़ है। बट जिसने इस चैप्टर्स को बहुत बार रिवाइज किया है उसके लिए मतलब बहुत इजी चैप्टर्स है, क्योंकि उतना घुमा फिरा के क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आते हैं। और बायो के दोनों एनसीईआरटी में मुझे 2 ऐसे यूनिट्स है जिसमें मुझे लगता है कि ये दोनों यूनिट्स थोड़ा सा टफ है, तो 11th का है यूनिट 2 एंड 12th का भी यूनिट 2। तो बोथ एनसीईआरटी के यूनिट 2 मुझे लगता है कि थोड़ा सा टफ है, क्योंकि कंसेप्चुअल है एंड याद भी बहुत रखने पड़ते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपना बताना कि बायो के एनसीईआरटी में ऐसा कौन सा यूनिट है जो आपको लगता है कि थोड़ा सा टफ है। और लोग बोलते हैं कि अगर आप वॉल पे लिख के एग्जांपल्स चिपका लो और उसे बार बार देखो तो याद हो जाता है। तो मैं सच बोलूँ, मैंने मतलब फर्स्ट 3 चैप्टर्स के लिए कुछ भी मतलब ऐसे वॉल पर नहीं चिपकाया था, सिर्फ बार बार रीड किया, तो मुझे प्लांट किंगडम एंड क्लासिफिकेशंस के सबके एग्जांपल्स याद हो गए थे। बट मैंने 1 चैप्टर के, जो कि है एनिमल किंगडम, तो उसके एग्जांपल्स मैंने लिख के मैं जहाँ पर सोती हूँ उसके पास के जो वॉल है उसमें मैंने चिपका दिए थे। तो मैंने इट एंड इट रियली वर्क्स, क्योंकि मैंने देखते देखते ना वो एनिमल किंगडम भी अभी मुझे सब कुछ याद हो गया है। एक्चुअली जो नॉन कॉर्डेट्स थे ना एनिमल किंगडम के, वो तो मैंने वॉल पे चिपका के याद कर लिए थे, बट जो कॉर्डेट्स थे मतलब जिसमें रेप्टिलिया, एविस, एम्फीबिया ये सब आते हैं, तो वो मुझे याद नहीं हो रहे थे लिख कर भी। तो उसके लिए मैंने यूट्यूब पर थोड़ा सा सर्च किया कि इसके ऊपर कोई न्यूमेनिक्स है क्या, तो मुझे मिल गया न्यूमोनिक्स। तो कॉर्डेट्स वाला मैंने न्यूमोनिक्स से मतलब याद किया, एंड अभी मुझे पूरा एनिमल किंगडम का मतलब एग्जांपल याद करने में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, स्मूथली वो याद हो जाता है। तो ये सब बताने का एक ही मकसद था कि आप लोगों को अगर याद नहीं हो रहा है तो ये 2 टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। मेरा बायो रिवीजन डन, एंड लेट मी शो यू द टाइम, एंड मुझे भी देखना है कि कितने टाइम पर मैंने ये ख़त्म किया। तो अभी 8:56 बज रहे हैं, एंड मेरे ख्याल से मैंने राइट टाइम पर ये चैप्टर ख़त्म कर दिया। तो मुझे लगे 1 आवर, एंड शायद 1 आवर से थोड़ा सा ज़्यादा, सो इट्स ओके, 1 आवर इस चैप्टर के लिए दे सकते हैं हम लोग। ओके, सो मैं अभी ग्रेविटेशन का नोट्स रिवीजन करूँगी एंड उसके बाद शॉर्ट नोट्स। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना मतलब ग्रेविटेशन, तो आप लोग जानते हो कि मतलब ये चैप्टर मैक्सिमम फॉर्मूला बेस्ड है, मगर कुछ क्वेश्चंस है जिसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगता है, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह से करना पड़ता है। तो ओवरऑल ये चैप्टर उतना मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है अगर फॉर्मूला माइंड में हो, एंड थोड़ा बहुत आप लोगों ने प्रैक्टिस किए होंगे क्वेश्चंस, तो आप लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो एग्ज़ाम में। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात
कि आप अगर यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक करना एंड जो लोग नए हो वो लोग सब्सक्राइब करना। एक और बात, तो ये रिवीजन के बाद मैं शॉर्ट नोट्स तैयार करूँगी इस चैप्टर का, और इस वीडियो में शायद मैं पहली बार आप लोगों को बताऊँगी कि मैं कैसे शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ, कौन से वो पॉइंट्स हैं जिसको मैं माइंड में रख के शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ, एंड कितने पेजेस लगते हैं मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने में, ये सब आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। ये मैं डिस्कस तब करूँगी जब मैं शॉर्ट नोट्स बना रही होंगी। तो अभी थोड़ा सा कुछ और बात करते हैं। अच्छा, आप लोग अभी, मैंने मतलब पिछले वीडियो में भी मैंने अपना बोला था कि अगर आपका अभी भी सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है तो आप रिवीजन एंड उसके साथ शॉर्ट नोट्स बनाना तैयार कर दो, और अगर आप लोगों का मतलब बैकलॉग है तो पहले तो आप लोग, अगर आप लोगों का बैकलॉग नहीं है तो आप ये कर सकते हो, अगर आप लोगों का बैकलॉग है तो मैं बोलूँगी कि पहले अपना बैकलॉग फुल कंप्लीट करो, अपना सिलेबस कंप्लीट करो बहुत अच्छे से। मतलब आप आ जाओ एक पोजीशन पे जहाँ पर आपको बैकलॉग को लेकर उतना टेंशन नहीं होगा, तो आप उसके बाद रिवीजन एंड उसके साथ शॉर्ट नोट्स बनाना भी आप तैयार कर दो, क्योंकि एंड में जाकर क्या होता है, आप लोगों के पास शॉर्ट नोट्स नहीं होते तो आप इधर उधर भटकते रहते हो कि कहाँ से शॉर्ट नोट्स मिल जाए। तो आप एक, अगर आप खुद ही करोगे, ये अभी कर लोगे तो आपको एंड में जाकर वो ढूंढना नहीं पड़ेगा। मेरा मतलब रिवीजन तो हो गया है सर का नोट्स, और अभी मैं शॉर्ट नोट्स तैयार करूँगी इसका। मैं इसका अभी शॉर्ट नोट्स तैयार कर रही हूँ, एंड मैं कोशिश करती हूँ कि शॉर्ट नोट्स थोड़ा सा कलरफुल हो एंड कॉम्पैक्ट हो, मतलब एक दो तीन पेज में। अगर कोई ह्यूज चैप्टर है, थोड़ा सा वास्ट चैप्टर है, तो मैं 3 पेज लेती हूँ। अगर छोटा सा चैप्टर है तो 1 और 2 पेज में मैं मतलब शॉर्ट नोट्स को करने की कोशिश करती हूँ। मतलब मेरे माइंड में यही चलता है शॉर्ट नोट्स जब मैं तैयार करती हूँ, कि एक भी फॉर्मूला जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं वो फार्मूला बिल्कुल भी छूटने नहीं चाहिए, एंड कुछ पॉइंट्स जिसमें से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं वो पॉइंट्स बिल्कुल छूटने नहीं चाहिए। क्योंकि क्या है ना, इसके बाद जब भी मैं इस चैप्टर को दोबारा रिवीजन करूँगी तो मैं इसको ही पढ़ूँगी, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा फॉर्मूला हो मैं सिर्फ नोट्स मतलब 1 पेज या फिर 2 पेज में करने के लिए मैं मतलब बिल्कुल भी फॉर्मूला को स्किप नहीं करती कि ये फॉर्मूला तो मुझे याद है तो मैं इसको रख देती हूँ। जैसे कि ग्रेविटेशन में जो एक बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है, जो कि आप अगर नहीं भी लिखोगे तो आपके माइंड में वो सेट रहता है कि F इज इक्वल टू जी इन टू m1 m2 / r². तो ये ग्रेविटेशनल का फार्मूला सबको पता है, बट मैं इसको भी लिखती हूँ क्योंकि ये फार्मूला है। तो फार्मूला को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो फार्मूला सब कुछ लिखोगे। और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है एंड इस पॉइंट के ऊपर मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, तो वो पॉइंट्स भी आप शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली मैं दो पॉइंट के ऊपर ही बेस करके मेरा शॉर्ट नोट्स तैयार करती हूँ, एक तो फार्मूला सब कुछ एंड कुछ पॉइंट्स जिसमें से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो बस इसमें से जितने भी पेज मुझे लगते हैं एक चैप्टर के, बस उतने में ही मेरा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ग्रेविटेशन का जो शॉर्ट नोट्स है वो मैंने 2 पेज में कर लिए हैं, सब कुछ, सब फॉर्मूलास। क्वेश्चन प्रैक्टिस का स्लॉट मैंने शूट नहीं किया, और इवनिंग में मैं ये स्नैक्स इंजॉय कर रही हूँ। तो यही था आज का दिन, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।